इस डोला से नीचे रखो कदम, आप जो कहोगी मैं वो करती रहूंगी, मैं दासी के रूप में तेरा काम करती रहूंगी। अगर तेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं अपनी संतान समझ के मैं तेरी संतान को खिलाया करूंगी। सुरजी एकदम भड़क गई, जवाब दिया, बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन करके इस चिड़ियाघर में रहना चाहती है, अरे तू क्या जाने तू हमारे पुत्र को खिलाएगी? माँ की ममता क्या होती है, वो पांच लुगाई क्या जाने, जिसके न गई हुई पाए पे माई वो पीर पराई। अरे तू हमारा पुत्र खिलाएगी, अरे तू तो गला घोंट के मार देगी, तुझे ममता ही नहीं है। ममता उसे होती है जिसकी संतान होती है। जवाब दिया महाराज, बोले क्या कह रही हो रानी? जवाब दिया महाराज, तुम शांति से खड़ी रहो, तुम्हें पता नहीं है, मेरी एक बात सुनो, ये सौते है ना सौत, अगर ये रहेगी तो मैं नहीं नहाऊंगी। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े, सुरुचि बोली, सोने के राजा और रानी से बोले भैया, इतनी सोने के राजा अजरनिया से बोलो, महाराज उत्तान पात ने जवाब दिया बड़ी रानी से, कहो सुनीति, हमने तुम्हें समझाया था सौत चून की भी बुरी होती है, लेकिन सारी रात हमने तुम्हें समझाया, एक बात हमारी तुमने नहीं मानी, अब क्या करोगी, अब क्या करोगी? जवाब दिया, मैं विनती कर लूंगी, हमारी बहन चलेगी महल में। दोनों हाथ जोड़े सुनीति ने सुरुचि के लिए, और जैसे ही सिर नवाया, चरणों पर सिर नवाया, सुरुचि ने डोला से लात निकाली, लात पीठ में दी, और जैसे ही लात पीठ में दी है, मैया जमीन पर पछाड़ खा करके गिर गई, और जैसे ही जमीन पर पछाड़ खा करके गिरी है तो मेरी भगवत श्रोताओं मां रो करके बोली है, बहन ये तेरी गलती नहीं है जो कि आज तेरे हमारे पीठ में लात मारी, ये तो सब हमारी किस्मत की बात है। आज वो मां रो करके फिर से पुनः निवेदन किया और बोली है वो मां, कब मेरे पीठ में मारी मेरे पीठ में मारी।
क्या रोती रही। लेकिन कहते हैं कोई कुछ महा अगर कोई दुखिया को देखती है तो दया आ जाती है, पर लेकिन उस डायन को दया भी नहीं आई। पता नहीं किसका बनाया हुआ उसका दिल था। माँ रोती रही पर लेकिन सुरजी भैया मैया भी लगती रही। हरियर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, उत्तानपाद की बात जब नहीं माने तो मैया सुनीति खुद बोली। महाराज छोटी वाली रानी को ले जाओ अंदर और मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। इसका मतलब यही तो है, अगर ये रहेगी तो हम नहीं रहूंगी, हम रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। अरे हमारा रहना ही व्यर्थ है, मैं रहूंगी तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसका मतलब है मैं निकली जा रही हूं। मैया बड़ी मां सुनीति महल से निकल गई, जंगल में झोपड़ी डाल के रह रही है। दो वक्त की रोटी मिल रही है, गेहूं की नहीं वो भी जौ की। बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया। धीरे 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 एक समय की बात है, मैया सुनीति ने विचार किया इस जीवन से अगर मैं मर जाऊं अपनी आत्महत्या कर लूं तो अच्छा रहेगा। आज मेरे भगवत श्रोताओ, मां रात्रि का वक्त अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, पिया जहां तक हो वहां तक हमें क्षमा कर देना, मैं आपकी बिन मर्जी के घर से कदम दे रही हूं। देखो स्त्री वो होती है, पतिव्रता स्त्री वो होती है जो बिना अपने पति के मर्जी से घर से कदम बाहर न दे, वो मां पतिव्रता स्त्री होती है। मैया सुनीति ने रात्रि का वक्त अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, आज्ञा ली और निकली है। आज मेरे भैया हुआ गया। जंगल में रहती थी, खेतों पर झोपड़ी डाल करके, अब झोपड़ी मैया के लिए जीत समान थी। नहीं जाना कहीं, नहीं कहीं से घूमना न फिरना, केवल उस झोपड़ी में ही समय बिताती थी। पर उस झोपड़ी से एक समय एक पल के लिए निकल आई, अब मुझे रहना ही नहीं है इस दुनिया में। की मारी मां जेल से बाहर कड़े आई, जन्मों नए राजकुमार मैया मन में
सर्प जैसे ही झाड़ी में से निकल के आया, मैया ने सर्प की तरफ देखा, काला नाग निकल के आया तो मैया समझ गई अब मेरा अंत इससे हो जाएगा। माँ ने हाथ जोड़े, अब काले सर्प से जवाब दिया, बेटा अरे लला मेरे संकट कोरे बांटो दैया, अरे लला मेरे संकट कोरे बांटो, मुपे दुख सो नहीं जाई लला अंगुली मेरे काटो, मुपे दुख सो नहीं जाए सरपन अंगुली मेरे काटो। सर्प ने जवाब दिया, माँ तू पतिव्रता स्त्री है, अगर हमने तुझे काट लिया मैं वैसे भी नरक में पड़ा हुआ हूं, अगर तो जैसी मैया को हमने डस लिया तो इससे भी जो भी नरक में होगा जन्म मुझे वो मिलेगा, मैं तुझे नहीं काटूंगा। सर्प निकल गया। सर्प जैसे ही निकला, मैया विचार कर रही है, भैया अरे लिखी को कोए मिट भैया, अरे लिखी को कोए मिट भैया, मेरी पुना माधव के बिना माधव की जमा डोल नैया, भैया मां सुनीति आगे बढ़ गई जंगल में, सर्प ने नहीं डसा तो मैया मरने के लिए और आगे बढ़ गई। रात्रि का वक्त था, सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, नारद से भेंट हुई, नारद विचरण करते हुए आ रहे थे, जैसे ही रात्रि के वक्त देखा है मां सुनीति को तो खड़ी हो गई नारद। जवाब दिया, ए ए लड़की कौन हो, कहां से आई हो? जवाब दिया, हमसे पूछ रहे, हाँ इस बियाबान जंगल में रात्रि के वक्त क्या कर रही हो? मैया बोली, जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना चाहते, क्या करने के लिए आई हो? तो मैया सुनीति जो रहे अपना दुख नारद को बताने लगी और बोली है, बाबा जी सुनो,
रोटी खाए खाए ना उजरा हुई रही बाबा महाराज बाबा जी तरीक बात सुनो। अरे सोते आदत की डीट वही अरे सोते आदत की डीट वही रोटी की कई वे कौन रूपे सब कौन भी कदई अगर आप पूछ रही हो क्या करने के लिए आई हो। अरे आज हम मरी वे कोरे आई सती सतियों कहे मान गैया सीट करा जवाब दिया मैं मरने के लिए आई हूं। क्यों मरना चाहती हूं? हमारे कोई संतान नहीं है इसलिए मैं मरना चाहती हूं। केवल एक पुत्र के लिए तुम मरना चाहती हो? जवाब दिया हां बाबा जी। हमारे गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। जवाब दिया सुनीति तुम लौट जाओ तुम्हारे संतान हो जाएगी। जैसे ही नारद ने कहा है तुम्हारे संतान हो जाएगी तो मैया हंसने लगी है। मैया हंस के बोली बाबा जी हमने तो ये सुना था कि गृहस्थ लोग झूठ बोलते हैं संत लो हैं लोग डबल झूठ बोलते मुझे आज मालूम पड़ा है कि वो कैसे। अरे जवाब दिया 6 महीना हो ही गए हमने पिया की सूरत नहीं देखी और बिना पति के बाबा जी ना जी ना संतान हो ही नहीं सकती। जवाब दिया पागल हो हमारा वचन है तुम्हारी संतान हो जाएगी। कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और न संत बचन पत्थर की लीका। हमारा बचन है तुम्हारे संतान हो जाएगी। आज मेरे भगवत श्रोताओं इतने शब्द कहे हैं तो मैया विश्वास धारण करके बाबा नारद की बात मान करके मैया वापस बाई झोपड़ी में लौट आई। कैसे शिवराज लौट गई घर आए और रात भर नींद न आई है। अरे लौट गई घर आए रात भर नींद न आई है और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई। अरे घड़ी को किस दिन आवेगी अरे घड़ी को किस दिन आवेगी और पुत्र रत्न से खाली बोधी मेरी भर जावेगी। अरे ओए गो लला मारे अरे ओए गो कुमरा मारे और नहीं बात न से रानी को बहु
मैया सुनीति जब बाई झोपड़ी में वापस लौट आई है, मैया सोच रही अब तो हमारे संतान हो जाएगी क्योंकि बाबा ने वरदान दे दिया है। उधर महाराज तानपा जो थे शिकार खेलने के लिए जंगल में आए, जंगल में शांति बनाए रखें। एक प्रेम से ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे, फिर आगे कथा श्रवण करेंगे। कि रंग रंग बा सुनरिया हमारी रंगे दे रे रंग रंग बा रंग See?